प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। इसमें हम केस टेकिंग और केसेस पे बात करते हैं। स्पेशल हमारा सेशन हो रहा है जो पूरे 4 साल से सक्सेसफुल है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है इसमें। तो मैं यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और सभी से हम लोग बात करेंगे। तो डॉक्टर नेहा मैडम जी नमस्ते, आपके पास कोई केस आए हैं? अखिलेश तिवारी जी आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बताइए। अखिलेश तिवारी जी आप कहाँ थे इतना दिन से, हम ढूंढ रहे थे आपको। आशीष जी प्रणाम सर। जी आप कहाँ थे? प्रणाम। सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। जी हाँ सर, थे सर, जुड़ नहीं पा रहे थे। और आपका अच्छा लेक्चर तो सर मिस नहीं करते हैं। आपका लेक्चर तो समझिए कि जिस तरह से खाना जितना इम्पोर्टेंस है, उतना ही हमें आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका लेक्चर इम्पोर्टेंस है। लेकिन अफसोस है कि लाइव में नहीं जुड़ पा रहे थे। आज का कैसा हुआ जी सर, लेक्चर, इंसुलिन वाला कैसा बहुत पढ़ा? बहुत बढ़िया लगा सर। और हमारे पास भी एक ऐसा पेशेंट है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन आपने सर बोला ना कि जो टाइप 2 डायबिटीज अगर कन्वर्टेड हो जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब हाँ रिवर्स कर सकते हैं। उसका इंसुलिन का डोज कम हो जाता है और बंद हो मेडिकेशन के जाते ऊपर हैं। डिपेंडेंट कर सकते हैं। और हाँ ये मेरे पास भी ऐसा पेशेंट है, अभी चल रहा है। हाँ उनको 60 यूनिट का TDS डोज चल रहा था, आज उनका 60 मतलब 30-30 का दो डोज ले रहे हैं। मतलब कितना कम हो गया, और भी कम हो सकता है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं। वो डर रहे हैं कि इतना डॉक्टर तो बोला था कि होल लाइफ आपको इंसुलिन के डिपेंडेंट रहना, और हमारा इतना कम कैसे हो जा रहा है कि आप फॉलो करिए। तो इसके लिए हम डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और साथ में जो हमारा जो आप बोले ना सर कि जब तक हम शोधन नहीं करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा ही शोधन करें, लेकिन शोधन बहुत जरूरी है। और शोधन करने के बाद सिर्फ हम तीख तरस का नहीं, थोड़ा सा उसमें जो जो हमारे धातु में शिथिलता आया है, उस शिथिलता को भी दूर करते जाए। इस तरह से विचार करके अगर करते हैं तो डायबिटीज के ऊपर हम बहुत काम किए हैं। और सब देखे हैं कि जो एलोपैथ की मेडिकेशन चल रहा था वो छूट भी गया है बहुत लोगों को। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट पेशेंट करता है तभी ये चीज हम कर सकते हैं। पेशेंट को जो हम अपथ्य बताते हैं, अगर उस चीज को अगर मानता है तो डेफिनेटली आयुर्वेदा इस चीज को करके दिखाता है कि उसको रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात नहीं मानता है, अपथ्य पालन करेगा, तो बहुत मुश्किल है। वैसे पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और अभी जिनका हम बता रहे हैं उनका डाइट हमने बनाया और वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे कम और भी कम हो सकता है। लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। वो छोड़ना नहीं, मतलब एक माइंड सेट हो गया है उनका कि नहीं, इतना तक आ गया है, इतना में हम बहुत सेटिस्फाइड है और हम नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगा सर कि जो कन्वर्टेड होता है, मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट जो बन जाता है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जी सर, आज का लेक्चर तो बहुत बढ़िया लगा। और बमन तो नहीं दिए हैं, लेकिन हमारा भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहता है कि शोधन के लिए थोड़ा थोड़ा उनको विरेचन देते रहते हैं, वो बहुत ही काम करता है। जी और क्लेद का वाहन के लिए जैसे हम अपने मेडिकेशन में यूज करते हैं गोक्षुरादि गुगुल डालते हैं, और शिलाजीत का हमारा एक शिलाजीत वादी वटी जो आता है वो जरूर रहता है हमारा। ऐसे प्योर शिलाजीत तो नहीं देते हैं, लेकिन वो और चंद्रप्रभा वटी और बहुत सिंपल मेडिसिन जो हमारे पास है वही सब यूज करके हम देखे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है डायबिटीज। जी बहुत बढ़िया जी बताया सर। आपने। सर आप कहाँ रहते हैं बिहार में? सर मैं बिहार में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं प्रयागराज में शिफ्ट हूँ। अच्छा प्रयागराज में है बिहार तो मेरा सर, बेसिकली है वहां से, बेसिकली बिहार का ही हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अभी प्रयागराज में है हम सर। मैं आपसे ना अप्रैल में मिलने आऊंगा, एंड में प्रयाग। हाँ सर, मोस्ट वेलकम। ये तो मेरा सौभाग्य होगा सर, हाँ मेरे आप को मुझे काम। मिल जाए तो ये तो समझिए कि मेरा सपना साकार हो जाएगा। हाँ मैं आऊंगा मिलने। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा जी आपसे सर, बात थैंक यू करके, सर, थैंक थैंक यू। यू। हाँ सोनिया मैम,
आप कुछ प्रश्न पूछ रही थी उस सेशन में, आप अभी पूछ सकती हैं मैम। हाँ जी सर, वो पेशेंट सिस्टाइटिस की है आई थिंक, क्योंकि उसके जो सिम्टम है बहुत ज्यादा पेन है उसको यूरिनेशन के बाद, और मैंने आज ही मेरे पास आई थी और मैंने उसका टेस्ट करवाया, तो 80-100% आ रही है उसकी आप इसमें क्या यूरिन। क्या दे सकते हैं, मैं एक वो बता देता हूँ। एक तो सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, हाँ जी सर, और AKT, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दे सकते हैं। चंद्र ठीक प्रभा भट्टी, कोकसुर आदि गुगुल दे सकते हैं, और उनको तिक्त ठीक रसात्मक द्रव्य देंगी ना, जैसे कि रस पाचक रक्त पाचक, तिक्त रसात्मक द्रव्य, और पानी हाँ भी नहीं, जी सर, जैसे कि मूत्रल द्रव्य, जैसे कि गन्ने का रस या हाँ तंबाकू, जी सर, ये दे दीजिए, हो जाएगा ठीक, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, दो तीन दिन में इतना रिकवर हो जाएगा इन मेडिसिन से? 100%। ठीक है सर, ठीक है सर, चंद्र मैं प्रभावटी स्टार्ट। में शिलाजीत है, वो खुद ही हाँ एंटीबायोटिक जी हमारा। चंद्र प्रभावटी, ठीक क्षुरादि गुगुल, पुनर्नवासा, पुनर्नवारिष्ट, और मूत्रल दवाइयां दे दीजिए। और वहां पे इन्फेक्शन है, UTI है, तो वहां पे हाँ थोड़ा जी, त्रिफला क्वाथ से धावन करा दीजिए, हो जाएगा ठीक। त्रिफला क्वाथ से धावन, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आप रिजल्ट बताइएगा, ऐसे थैंक यू बोलने से नहीं हुआ, रिजल्ट बताना पड़ेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, कुछ तो दे दी है मेडिसिन, कुछ और मंगवा के दे दूंगी सर। ठीक हाँ है ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। है। और डॉक्टर आदित्य सर कैसे हैं? सर डॉक्टर आदित्य शिवरे जी, आप अगर सुन पाते नमस्कार हैं, आप कहाँ हैं सर? सुबह भी नहीं आते हैं, हम सब मिस करते हैं आपको, कहाँ सर। गए आप? 7 o'clock पे मैं जरूर आऊंगा, 7 o'clock पे सर। एक्चुअली पूरा दिन ऐसा निकल जाता है चक्की की तरह, अभी मैं सोने जा रहा तो देखा 9 बजे, तो सर आप इतना कुछ बताइए जल्दी। ना, आपका रिसर्च का क्या चल रहा है? आपने कैंसर पे क्या कुछ रिसर्च वगैरह किया? सर अभी एक्चुअली मैं वो IPD OPD बेड्स की डिमांड करी है, धीरे धीरे डिपार्टमेंट बना रहा हूँ सर, तो बेड्स आ जाएंगे एक बार फिर सर। रिसर्च में प्रोजेक्ट डाल दूंगा सर, सब कुछ वो बना के रखा है। गवर्नमेंट में सर कोई भी काम चालू करने में शुरू में बड़ी दिक्कत आती है, मैन पावर, और उनको ट्रेन करना होता है, वो कर मतलब आदमी टिप्स टोस पे रहे, वो सारी चीजों में पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी सर नई सर्विसेज जैसे क्लिनिकल हिमाटोलॉजी की चालू कर रहा हूँ, तो उसके लिए कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सामान और OPD, इतना चीजें 1 महीने में इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा सर, 1-2 महीने में। तो अभी आपके पास उसके कैसे बाद फिर पेशेंट आ रहे हैं और आप लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सर अभी पेशेंट अभी देखना चालू नहीं किया मैंने अभी, मतलब इस साल में, क्योंकि मेरी एक्चुअली क्या MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में है, और उसके बाद मेरा 3 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल हिमेट में, तो मेरे को जो जॉब मिला है वो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से मिला है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में बेड्स का अभी की ब्रांच ही नई ब्रांच है, तो इस पर अभी बेड्स का कंसेप्ट ही नहीं है, तो बेड्स लिए हैं पहले अभी, तो अच्छा, करीब 6 महीने से सर, 2-3 महीने में मैं ट्रीटमेंट करना चालू करूंगा। जैसे सिक मेरे पेशेंट रहेंगे, जितने भी ब्लड खून की कमी वाले मरीज आएंगे, थैलेसीमिया जैसे ब्लड कैंसर वाले, तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, 4-5 महीने, फिर मैं ये चालू कर दूंगा सर। जी हमें जरूर बताइएगा सब चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। और डॉक्टर आरती हेलो मैडम, सर। हाँ बोलिए पल्लवी मैम। हाँ सर, वो हमारे सीनियर सर वो कुछ तो बोल रहे थे ना बहुमूत्रता के बारे में, तो हाँ सर डॉक्टर ये जो, महेंद्र हाँ सर बोल रहे थे। हाँ तो ये जो मेरा पेशेंट चल रहा है ना अभी डायबिटीज का, उसका एज है 32, एज कम है उसका, और उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है सर बहुत, क्योंकि उसका वेट भी ज्यादा है और उसके वजह से उसको ट्राइग्लिसराइड भी उसका बढ़ के आया है, तो उसका ब्लड में शुगर दिखा रहा है, यूरिन में वगैरह शुगर नहीं है और लक्षण भी ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए मैंने वो कफज ग्रहणी का सोच के ही सर उसको अच्छे ऐसा ट्रीटमेंट लिया दिया है, उसमें बहुमूत्रता ये लक्षण नहीं है, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के वजह से वो उसका शुगर बढ़ के आया है ब्लड में, तो सही विचार है ना सर ये मेरा? क्या हाँ डॉक्टर महेंद्र पे? सर, एक मैं उनसे भी पूछ लेते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं क्या? महेंद्र हाँ सर आप सुने क्या? हाँ सर, सुन रहा हूँ। ये जो मैडम बता रही है अब इनके हिसाब से सही है कि उसमें जो जैसे अपन मैंने बताया उसमें कि जो कोशिका है उन कोशिकाओं में ब्लड में इंसुलिन तो है, लेकिन जो उसकी कोशिकाओं में जो चैनल है वो ओपन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो टिश्यू इंसेंसिटिव है वो गड़बड़ है, मतलब इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो तीसरे प्रकार की दवाई है टिश्यू इंसेंसिटिव के लिए, जैसे अपन के बताया कुटकी है
और ये रक्तमरच है, इंद्रवारणी है, गुग्गुल है, चित्रक है, तेज पत्ता है, इनका योग 2 महीने, तो इससे उसको रिजल्ट मिलेगा। जी सर, जरूर सर। और सर दूसरी दूसरी जो केस बताई ना मैंने, तो उसमें उसमें उनके यूरिन में शुगर आया है, लेकिन उनको मैंने पूछा कि बहुमूत्रता ये लक्षण है क्या, तो उन्होंने वो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मुझे नींद आना, दिन में भी नींद आना, और उतना भोजन भोजन इतना खाने को इच्छा नहीं होती है, ये दो मुझे एक्स्ट्रा लक्षण मिले उसमें भी। फिर भी उसमें मैंने भी हो जाता है कई बार इस तरह का, मतलब कई पेशेंट को बिल्कुल ही आभास नहीं होता कि मेरे डायबिटीज है। जैसे कि अपन को जनरली में हाँ नींद आती है, प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है जनरली में, तो मतलब यूं मानो 50-60% पेशेंट की तो ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन 10-20% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कोई लक्षण नहीं आता, उनके बाई चांस कोई दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, जैसे न्यूरोपैथी हो गई या और कोई घाव घाव वगैरह नहीं भर रहा है, और इस तरह की होती है समस्या। जब वो चेक कराते हैं उसके बाद वो मालूम पड़ता है कि हमारे डायबिटीज है, तो ऐसे केस तो मिल जाते हैं। मैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप डायबिटीज के हिसाब से ही करो ट्रीट। हाँ सर जरूर। और सर दूसरा, अरविंद सर आपसे मुझे एक सवाल पूछना था। एक पेशेंट आया मेरे पास, तो हाँ वो बोला कि मैं जो जब रोमांटिक कुछ बातें करता हूँ तो मेरा शुक्र निकल जाता है, तो हाँ इसमें हमें कैसा विचार करना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट तो उसको स्वप्न दोष की दी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सोचना चाहिए इसमें। उसका शुक्र इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया कि वो निकल जाता है, तो वो अच्छा हेतु परिवर्जन करना ही चिकित्सा है। बाकी वृक्ष दवाइयां दीजिए आप, अच्छा ठीक है सर, मतलब शतावरी, अश्वगंधा ये मैं और दे सकती हूँ उनका उसको। विरेचन करा दीजिए, शोधन करा दीजिए, तो अपान की दृष्टि हाँ तो भाई, जाएगा। अपान के दृष्टि पे मैंने दिया है, अपान के दृष्टि के लिए मैंने गंधर्व हरीतकि भी दिया है कि वो पूरा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें हम मानस के लिए कुछ देना चाहिए या नहीं, मतलब ब्राह्मी वटी या तो आप कुछ ऐसा सब कुछ। दे सकते हैं, लेकिन वो उसका शुक्र इतना पतला हो गया है कि निकल ही जा रहा है। मतलब वो अष्टमैथुन, आयुर्वेद में बोला है अष्टमैथुन, लड़कियों के बारे में सोचना, उनके साथ खेलना, चुपचाप बात करना, ये सब जो है ना, इसको संस्कृत में केली कीर्तन ऐसे कुछ शब्द है, तो वो अष्टमैथुन का त्याग करना ही पहले करना है, और बाद में आप जो दे रही है वो सही है। ब्रह्मचर्य का पालन करे, खेल का खेल देखे, खेले वो, फिजिकल वर्क करे, तो हो जाएगा ठीक। ठीक है सर, उसका ठीक है, हस्त थैंक यू। मैथुन का इतिहास होगा, अभी वो कर करके कर करके इतना पतला हो गया है कि उसकी नसें कमजोर हो गई हैं। हाँ हाँ, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का वैल्यू बता दीजिए, तो फिर हो जाएगा ठीक। थैंक चलेगा सर, ठीक, थैंक यू। यू। और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। हाँ सर मुझे पूछना था एक पेशेंट के लिए। पूछिए। सर मुझे एक पेशेंट के लिए पूछना था। उसका क्या था कि उसको गोइटर तो नहीं है, पर नेक पे स्वेलिंग था, तो उसका T3 T4 TSH तो सब नॉर्मल है, उसका CBC नॉर्मल है, और उसने स्वेलिंग है, और उसका टेस्ट भी हुआ है, तो वो नॉर्मल है, स्वेलिंग कोई वैसा नहीं है, मेलिग्नेंसी वगैरह नहीं है। तो फिर और उसको दूसरा क्या सिम्टम है, उसको बहुत वीकनेस होती है, भूख नहीं लगती है, और उसका पेट भी अच्छे से सर साफ नहीं होता है, और बहुत ज्यादा वीकनेस, और वो स्वेलिंग के लिए आई थी कि मेरे पास कि आप स्वेलिंग के लिए कुछ कर सकते हो, कि डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, तो वो सर्जरी करवाना नहीं चाहती है सर। तो आप तो पहले तो सर दीपन पाचन अनुलोमन करिए, ग्रहणी की चिकित्सा करिए एक, दूसरा आप उनको मांस पाचक, मेदो पाचक, आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, कांचनार गुगुल, यही सब दीजिए, ठीक हो जाएंगे। हाँ तो सर अभी इसको दीपन पाचन के लिए मैं आम पाचक वटी दे दूं सर, दे दीजिए। बाकी और लोग उसके साथ बताइए। से? हाँ अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बताइए, इनके केस में थोड़ा हेल्प करिए। महेंद्र सर, आप हेल्प करिए प्लीज, कोई हेल्प करिए इनके केस में, बताइए आप लोग भी। प्रशांत भट्ट जी क्या केस है जरा दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया। बताइए, मैम एक बार बताइए। सर जो पेशेंट है उसको एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा है, उसको खाना प्रॉपर, भूख भी नहीं लगती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और उसका पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता है, पर वो मेरे पास आई थी कि मेरे को नेक पे स्वेलिंग है, पर उसको T3 T4 और TSH नॉर्मल है, उसका CBC उसका नॉर्मल है, वो रिपोर्ट लेके आई थी, और कह रहे डॉक्टर ने टेस्ट भी किया है तो मेलिग्नेंसी वगैरह कुछ नहीं है, वो नॉर्मल स्वेलिंग है, और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है स्वेलिंग कहाँ पे है? नेक पे सर, जैसे गोइटर होता है जिनको स्वेलिंग होती है, तो वैसे स्वेलिंग है सर उसको।
उसका कोई फोटो है आपके पास अभी? सर अभी फोटो तो नहीं है सर। मैम आपने उसको फील करके देखा है, कोई ट्यूमर है या जस्ट सिर्फ स्वेलिंग ही है? कई बार तो फैट की वजह से भी आपको नहीं, स्वेलिंग लगती है, जब फील करो आप उसमें ट्यूमर है क्या? वो स्वेलिंग नहीं है कि वो लंप टाइप है मैम, तो आपने वो फील किया विजिबल था, भी है और मेजरेबल है फील कि? कर रही। हाँ जी, ओके ओके हाँ जी, फील किया मैम, था मैम। स्वेलिंग में अगर जैसे रस रक्त की दुष्टि रहती है ना तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, अगर मांस अस्थि की दुष्टि रहती तो बहुत कड़क हो जाता है, तो उसमें प्रधानता से वो मूवेबल थी, स्वेलिंग कड़क नहीं था सॉफ्ट सर। थी। अच्छा एकेडी एकेडी के साथ सूक्ष्म त्रिफला का मतलब इसमें अच्छा रोल रहेगा शायद से। मेरे हिसाब से कांचनार गुगल, पहले आप गृहिणी कला को ठीक करिए, और मेरे को रक्त मोक्षण से ज्यादा फायदा हुआ। जलौका लगा दीजिए एक दो, तो वो जितना अशुद्ध रक्त निकालेगा उससे फायदा होगा। और पत्रपोटली स्वेद, पत्रपोटली स्वेद आपको मालूम होगा आरती मैडम, जिसमें हम करंज के हाँ जी, पत्ते हाँ जी लेते सर, हैं, हाँ, शिगुरु के पत्ते लेते हैं, इमली के हाँ पत्ते हाँ लेते हैं, निर्गुंडी के पत्ते लेते हैं, अर्क के पत्ते लेते हैं, और जी सर, एरंड के पत्ते, ये सरसों के तेल में भून के पोटली बना के उसका सेक दीजिए, और वो आप बांध के रखिए, उसके गर्मी से वो पूरा पिघल जाएगा। हाँ, इसके अलावा ठीक है रौद्र सर। रस तो सर लगाना, अभी हाँ बोलिए, जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर। रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो पूरा गला देते हैं। तो सर अभी शुरुआत तो मैं उसकी अभी दीपन पाचन से ही करूं, और उसके साथ मैं उसको ये रक्त पाचक और रस पाचक दे दूं सर, हाँ दे और दीजिए, आरोग्यवर्धिनी और कांचना गुगुल। हाँ दे दीजिए। तो सर दीपन पाचन के लिए खाली आम पाचन वटी ही दूं इसको, या कुछ आम और भी पाचक दूं? वटी है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, और हाँ अनुलोमन हाँ के लिए आप त्रिफला चूर्ण या क्या देंगे, त्रिवेत ले, हम ऐसे कुछ, पेट साफ होना चाहिए रोज का रोज। कैस्टर ऑयल दे सकती हूँ सर हाँ इसको, दे दीजिए, शुंठी के साथ दीजिए, कैस्टर ऑयल क्योंकि तो मैंने कैस्टर ऑयल दे से पेट में दर्द दी। होता है, मरोड़ आता है, शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, ओके आपके सर, केस में थैंक यू, महेंद्र थैंक सर कुछ यू। बोलना चाहते हैं, महेंद्र सर कुछ हाँ बोलना जी, हाँ चाहते हैं, जी, वैद्य मोहन हेलो, ब्रिजेश जी बोलना चाहते हैं, जी बोलिए हाँ सर, जी सर, अगर आज्ञा हो तो मैं भी, जरूर बोलिए सर, जी सर बोलिए सर, मैं अगर आज्ञा हो गई तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ। हाँ सर बोलिए, मैंने स्पॉटलाइट किया आपको, जी सर, सर आपके चेहरा पे थोड़ा लाइट आने दीजिए। हाँ निकल जी के आ रही है, दो बातें निकल के आ रही हैं, कि जी एक तो वीकनेस है हाँ जी ना, सर, हाँ जी सर, और स्वेलिंग है। तो हाँ जी सर, देखिए, हम मॉडर्न की नकल पे सोचते हैं, और जब हाँ जी, देंगे तो वो आयुर्वेद नहीं होगा। हमारे यहाँ अन्न विहार तीनों बातों की बात आती है, प्रधान हाँ विहारणाम जी सर, उपयोगम सुखावहम। तो हम बिल्कुल केवल औषधि के पीछे पड़ गए हैं, हम केवल मेडिकल साइंस बन गए हैं, आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ होता है कि हम औषधि, तीनों बातों बात कर रहे हैं। तो देखिए, जहां तक है तो एक हमें सीधा सिद्धांत मिला, एक बार हम तो सदा, एक बार भोजन करने वाला हमेशा बीमार रहे, दो बार भोजन होगा, त्रिवारम तो सदा रोगी, तीन बार वाला सदा रोगी रहेगा, चतुर्वारम तो मारका, चार बार का निवारक की स्थिति आ जाएगी। तो अब हम इस पर हम पूछते ही नहीं, वो कितनी बार खाता है, कितनी बार नहीं खा करता है, क्या नहीं करता है, हम सीधा दवाई पर पड़ जाते हैं। एक सीधा पूरा आयुर्वेद है, वाम शाही दुभुंजन, बाई करवट सोना है, दो घुटने। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, हेलो, हाँ सही है ना, हेलो, हेलो, यस सर, आपकी बात आवाज आ मोबाइल में। रही है। हाँ, तो देखिए, सबसे पाप रोगी को जब ज्ञानी और वामशाही होंगे तब तक मैं तो समझ ठीक होने की आशा करता, कितने ही ऑपरेशन करा दो, कितने ही उपनयन करा दो, कितना ही कुछ कर दो, वामशाही और दो ज्ञानी पर ले आएंगे ना, हाँ जी तो सर, वो अपने आप आधे से ज्यादा ठीक हो जाता है। मुझे लोग ढूंढ कैसे कैंसर ठीक कर देता हूँ, कैंसर कैंसर एड्स ठीक करता हूँ, मुझे तो न डायबिटीज आज तक पाई है, सर पाया ना, एड्स पाया ना, हार्ट अटैक पाया है, जहां मैंने वामशाही दुनियानी बरोगी लगाया वो ठीक हो जाता, यश और पैसा थोड़ा बहुत मेरे भाग्य में मिल जाता है।
तो मैं सलोवा से भाई एक विनम्र निवेदन यही करूंगा कि मुझे बामसाई जरूर जोर जोर जो दो, उसके बाद ठीक संशोधन और चिकित्सा पे देखो, है। अगर इस पे आप जोर नहीं देंगे तो वो रुके नहीं हो। अब जो स्वेलिंग बात आती है ना, साधु प्रणम कुरिया तृतीयम पसे चरम तृतीयोपणाम च चतुर्थी पाठनी क्रिया, तो सब अपन करो अपन को द्वितीयम परिसेचन, फिर उसको तेल वेल जो आप कह रहे हैं उसका ही कर दो। पर जो दोष जो शरीर में अपने खाने से लगाता है, आज 4-6 बार खाने की परंपरा पड़ गई है, हर समय और समय खाओ और समय खाओ, तो ये सब इसको हम लोग सब व्यवहार में भी लाम है, व्यवहार में लाम है समझे, ठीक है? तो कुछ हाँ बात जी समझ सर, पड़ना, तो भैया मॉडर्न की नकल में भागते पड़ो, छोटे माने जाओ तो मॉडर्न से बड़े माने जाओगे, जहां मॉडर्न बंद हो जाए वहां होगे तो आगे तुम्हें कोई पूछा है, और मॉडर्न की नकल में पीछे पड़े रहोगे तो भैया टूटा मान के अपने आप ही वैकल्पिक आयुष में डाल देंगे, आएगा वैकल्पिक में और इधर उधर डाल, कहीं से कहीं पड़े रहो, कोई लाभ तो निकलने वाला नहीं। और 3 जगह आयुर्वेद रुका है, वैद्य संशोधन नहीं कर पाया है, व्यापारी सोचता है, तो मरीज संयम का आप संशोधन पे ध्यान, शुद्ध औषधि अपने आप बनाओ भाई, ये बाजार की औषधियों पे सही मान लेना, बिना लेबोरेटरी टेस्ट के बाजार में सब चल रहा है, जीएमपी लागू भी हो गया, कोई दवाई शुद्ध नहीं, अब बड़ा चेक कर रहे की बात है बीच भाई, कोई बात मैं शायद टाइम पे तो मुश्किल हो जाता है मुझे, आज अचानक मिल गया हूँ, कभी भी पूछनी हो तो आप कभी मुझे पर्सनल पूछ लो, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, है? ठीक है, थैंक यू सर, बहुत हाँ अच्छा बताया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछिए बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर, तो जी बोलिए मैम। नाम से सर, एक पेशेंट है, थायराइड है उसको सर, जब वो 16 ईयर का था तब उसको सर थायराइड डिटेक्ट हुआ था, तो तब से वो मेडिसिन ले रहा है। तो अभी क्या है सर, मैंने अभी जैसे बाकी मेडिसिन, जैसे बाकी को इसकी प्रकृति जो है वो वातज प्रकृति है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा है। और अभी सर मैंने उनको 45 डेज तक पहले मेडिसिन चलाई थी, तो अभी मतलब उनका जो है वो बढ़ी जा रहा है, कम नहीं हो रहा है सर थायराइड। वो जो है वचा पुनर्नवा गुरुचि सत्व आज जन, दी है सर, वो सर दे दी, कितनी दे दिया, दे दिया सर, आपने जो थायराइड बटी भेजी थी ना, आज दी है मैंने उसको। और बाकी तो आप वात की चिकित्सा करिए ना, आपने बताया कि वात बड़ा हुआ है तो सर आप मैंने बड़ा घृत वो नहीं ना ले रहे वो अभी, एक्चुअली वो थोड़ा सा उनका वो डाइट स्टाइल और लाइफ स्टाइल दोनों चेंज है, और भी मैंने उनको घी दाढ़ी मादी घृत दिया है मॉर्निंग में, साथ में कांचनार दिया है, कोकिलाक्ष कषाय दिया है, और आपकी थायराइड वटी दी है। और और मैंने थोड़ी सर मात्रा बस्ती दे दीजिए दीपन पाचन लोमन करके, नहीं नहीं लेंगे सर, सीधा मना कर दिया। तो मैंने उनको घी बोला है सुबह खाने के लिए, और मैंने उनको बोला है कि घी की क्वांटिटी आप बढ़ाइए। और दूसरी बात है सर, ये क्या बोलते हैं सर, आपकी थायराइड वटी की सर डोज क्या है? दो दो गोली सुबह शाम 2 BD। अच्छा, ओके, मैंने अभी उसको 3-3 बोला है, तो एक हफ्ते के बाद 2-2 कर दूंगी सर। थ्री थ्री भी देने से फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता, दे सकते हैं, अच्छा मैक्सिमम ठीक है सर, 5 तक दे सकते हैं, वचा पुनर्नवा गुडुचि सत्व और जंगली प्याज के रस की भावना है, बहुत अच्छा हाँ फायदा। जी हाँ, वही वही। तो वैसे अभी आप मैंने ज्यादा दीजिए, जब उनका कंट्रोल में आ जाए तब डोज कम कर दीजिएगा, मेंटेनेंस डोज। हाँ ठीक है सर, फिर मैं अभी वही करती हूँ। और सर अभी और कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या उसको सर, क्योंकि अभी उनका पहले उनका 10 था और आज 11 हो गया 45 डेज के बाद सर। हो जाएगा, आप पहले ये करिए तो, और रस धातु अच्छा करिए, रक्त धातु अच्छा करिए, उससे थायराइड में अच्छा फायदा होगा, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, आपने खुद ही कहा कि पूरा ड्राइनेस है, पेन हो रहा हाँ है, तो सर, इतनी स्टिफनेस है कि अभी वो मेरे पास योगा करने के लिए आते हैं और लेग सीधी नहीं हो पाती है उनकी, आप मतलब वो बस्ती आप नहीं देंगी तो कैसे होगा? सर वो नहीं, मैंने उनको उन्होंने मेरे को सीधा मतलब मना कर दिया, थोड़ा रूडली मना कर दिया कि ये चीजें नहीं करूंगा, तो अभ्यंग कर आप मेरे दीजिए, को मेडिसिन अभ्यंग तो कर सकती है ना, दो। वो मैं पूछ के देख लूंगी सर, क्योंकि वो सीधा सीधा मना कर देते हैं इन चीजों के लिए, वो कहते हैं आप मेडिसिन जितनी मर्जी दो मैं ले लूंगा, लेकिन वो ये चीजें ठीक नहीं होंगे, आपका दवाई चलते रहेगा, ठीक नहीं होंगे, तो अभ्यंग के लिए बोलूं कैसे भी स्नेहन तो होना जरूरी है ना, स्नेहन बस्ती तो तो सर सर मैं ओरली ओरली दे रही हूँ, क्या उससे नहीं आप सेटिस्फाइड होगा? कैप्सूल अगर दें 101 आवर्ती का जो आते हैं शीरबला का कैप्सूल, वो दे सकते, ठीक है सर, फिर मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन शीर वाला बस्ती तेल। मतलब बस्ती होता है, आप केरल में जाए वहां पे आपको तेल का इतना अभ्यंग करते हैं,
वो भी अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा तेल का अभ्यंग, मतलब वो बात कैसे कम होगा, रुक सुगुण बढ़ा हुआ है ना वायु का। सर, सर जो ये इंटरनेट, हाँ सर बताइए सर। मैं ये कह रहा था, थायराइड में जो कलौंजी है, जी कलौंजी के तेल का, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। उसको यदि नींबू के पानी में दिया जाए तो वो भी फायदा करती है। और ज्योतिषमती जो तेल होता है, वो जी भी इसमें 3 से 5 बूंदे यदि शहद में या ब्लैक कॉफी में, ग्रीन टी में मिला दी जाए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। जी ओके सर, ये ज्योतिषमती का सुबह दे दूं और शाम को दे दूं ग्रीन टी में? हाँ, इसमें 3 से 5 बूंद तक दे दो उसको, और उसका रिजल्ट देखो आप, अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। और कलौंजी का तेल भी उपयोग कर सकते हैं अपन इसमें, सर क्योंकि वो इसमें क्या है कि अलग कितने अलग है सब क्वालिटी। जैसे अपन उसके हिसाब से सोचते हैं कि थायराइड को अपन को एक्टिव करना है, तो थायराइड को का? एक्टिव करने के लिए अपन को ये जो चीजें अपनी, ये अच्छी अच्छा रिजल्ट देती है, कलौंजी है। दूसरे नंबर जैसे गुग्गुल का अपन को योग दे दें उसके लिए, जैसे अपन कैसर गुग्गुल कांचनार दिया वगैरह, सर, कांचनार, कांचनार मैंने दिया उसको। कांचनार दे दिया। एक ब्रह्मी का और योग देख लो, ब्रह्मी गंडीर और इनका भी अच्छा रिजल्ट है इसमें, यदि दे सकते हो तो। और एक उसको इम्यूनिटी के लिए अपन, जैसे कोई अश्वगंधा, गुरुची, तुलसी, इनका कोई योग अपन उपयोग कर सके। हाँ, सर वो सर का है ना पुनर्नवा बचा और गुरुची है, तीन है, गुजमीज में गुरुची है सर। तो गुरुची है, लेकिन देख लो इसमें यदि, और इसमें इम्यूनिटी के बूस्ट के लिए अपन जो मध्यष्टि और अश्वगंधा, शतावरी देते हैं, ये भी इनका भी अच्छा रिजल्ट है, यदि कोई उसके लिए और उपयोग करके कोई योग बना के। ओ ठीक है सर, ये आइडिया अच्छा दिया सर, ये मैं हाँ, अश्वगंधा और एक साथ थोड़ा उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी भी हो जाएगा। आरोग्यवर्धी आरोग्यवर्धी हाँ जी, हाँ जी, आरोग्यवर्धन दी हुई है सर, आरोग्यवर्धन। मैं बताती हूँ सर मैंने क्या दिया है, मैंने उनको दिया है कांचनार गुगुल, त्रिकटू को धनिया पाउडर के साथ दिया है, और साथ में मैंने कोकिलाक्ष के शाय दिया है, साथ में सर की थायराइड वटी दी है, और सर साथ में मैंने उनको वो नित्य विरेचन, मतलब जैसे कैस्टर ऑयल बोला है कि हर सैटरडे संडे आप लो, और साथ में सर उनको कांचनार गुगुल दिया हुआ है जी सर। एक उसको मानसिक उसमें, और देख लेते कोई तनाव वगैरह का, जैसे ज्योतिषमती अक्कर है कर ना आ सर, स्ट्रेस की, रखी स्ट्रेस की हिस्ट्री है, ज्योतिषमती में डाल देती हूँ सर, मैं उनको वैसे बोला है कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगी तो मैं फिर अभी और टेबलेट वगैरह डाल है, दूंगी। जैसे आज मैंने सर साथ में नस्से भी ज्योतिषमती स्टार्ट है, किया अक्कर उनको। करा है, दचा है, गंडीर है, इनका उपयोग कोई भी कर लो आप इनमें से, ये सही रहेगा उसमें, क्योंकि इससे उसको हो जाएगा। हाँ सर, वचा तो गुरुचि, वचा और गुरुचि तो सर के उसमें है ना, पुनर्नवा वचा और गुरुचि तीनों ही साइन टाइप है, तो वो तो सर ने दिए हुए हैं। और सर और ये आयुर्वेद सोच रही हूँ, पूर्ति के लिए भी देख लेना, कुछ भोजन वगैरह में उस तरह सेंधव लवण वगैरह का प्रयोग कराओ उसको। ठीक है सर, और सर मैंने अभी आज नस्से भी स्टार्ट किया है उसका थोड़ा सा, मैंने हाँ, बोला तो तुम उसमें उसको भी क्या है, वो जो दिमाग का तनाव है उससे कम हो जाएगा। रिजल्ट हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने अभी उनको बोला है ब्राह्मी घृत से आप नस्से करो। भी अच्छा आता है फिर, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का और इसका संबंध है, और अपन जो नस लेते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, तो वहां से उसका रिजल्ट मिलता है फिर अपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, इसीलिए मैंने उनको बोला कि ब्राह्मी घृत का आप नस्से करो, और अभी फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है 45 डेज के बाद, क्योंकि सर वो मात्रावस्ती के लिए मैंने उसको बोला है लेकिन वो लेने को तैयार ही नहीं है, वो कहता कि पंचकर्मा के लिए मैं नहीं जाऊंगा, आप ओरली मेरे को जितना मिर्ची दे सकते हो मैं ले लूंगा, बट नहीं, इसके ये लिए इसमें नहीं आप थोड़ा सा इसमें कलौंजी का तेल और ज्योतिषमती वगैरह इनका उपयोग और करो, थोड़ा सा हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है। ठीक है सर, मैं कल ऐड करती हूँ। ब्रह्मी कोई चूर्ण या ब्रह्म रसायन वगैरह को उस तरह का कोई योग और देख लो उसमें, क्योंकि वो भी थायराइड का एक्टिव करता है, ये ब्रह्म गुग्गुल रसायन स्टार्ट कर दो सर, का मैंने अभी दाढ़ी वाढ़ी घृत भी दिया उसको मॉर्निंग में ना, तो फिर नहीं, जब वो खत्म हो ब्राह्मी जाता है का फिर ये वो तो करा स्टार्ट था कर मैंने, दो। ब्राह्मी का एक्चुअली या मैं गंडीर का, ये क्या है कि उसको थायराइड, जो थायराइड ग्रंथि है उसको उत्तेजित करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ब्राह्मी या गंडी का, ठीक है सर मैं करती हूँ, बोलती हूँ मैं अभी स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर, सर, इसका गुड मॉर्निंग मध्य किस चीज के देंगे सर? महेंद्र सर, सर आपसे क्वेश्चन है, कृपया बताइए। मात्रावस्ती हम कौन सी डालेंगे सर, इसमें क्या यूज करेंगे मात्रावस्ती में? मात्रावस्ती में अपन के हिसाब से उसमें यदि स्निग्धता की कमी है तो स्निग्धता की पूर्ति कर सकते हैं, या फिर लेखन का है उसको पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि कई पेशेंट तो थायराइड के मोटे होते हैं और कई नहीं पतले नहीं होते सर, हैं, बहुत फ्रिश पेशेंट है और इतना ज्यादा रुक्षता है और इतनी ज्यादा स्टिफनेस है इसके अंदर ना। उसको तो ब्रंगण के हिसाब से अपन जो आते हैं, जैसे अपन का बला तेल है या उस तरह का कोई उपयोग करेंगे उसमें, और पित्त सामग्री चंदन बला लाक्षादि तेल है अपन का, ये अच्छा काम करेगा वहां पर। मतलब अलग से ठीक है लक्ष्य जी सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, बताना है, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोग का प्लेटफॉर्म है।
बताइए, किसी को कुछ पूछना है बताना है? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? वीना मैम बोलिए मैम। मैं हेलो इयर सर, इन्फेक्शन होने के बाद फोन कर सकती हूँ? सर हाँ जरूर जरूर मैम। हाँ नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ हेलो सर, एक एक मिनट हेलो रुकिए मैम। रूपाली मैडम जी बोलिए आप। हाँ सर, एक 45 ईयर मेल पेशेंट है सर, तो उसको एक्चुअली प्रोस्टेटोमेगाली है पेशेंट को, और यूरिन का फ्लो जो है बहुत कम है पेशेंट को। मतलब अगर 70% यूरिन हो गया तो उसके बाद का मतलब बहुत प्रेशर देना पड़ता है यूरिन के लिए पेशेंट को। जी हाँ, तो उसके लिए मैंने कांचनार घुंघरू दिया है उसको, और पतंजलि की जो प्रोस्टेट बोल के जो टैबलेट है वो भी चालू किया है उसको प्रोस्टोग्रेड, पेशेंट को। हाँ, हाँ प्रोस्टोग्रिड प्रोस्टोग्रिड, बोल के। हाँ, ये चालू है, और एक बार विरेचन भी दिया था सर पेशेंट को। हाँ तो फिर भी अभी थोड़ा सा 25% यूरिन फ्लो में जो है इम्प्रूवमेंट है पेशेंट के, और फिर भी पेशेंट बोलता है कि इनकम्प्लीट यूरिन है मेरा। जी और रात में पेशेंट को मतलब 2-3 बार उठना पड़ता है, बाकी कुछ भी नॉन केस में नहीं है पेशेंट, डीएम एसटीएन बाकी कुछ भी नहीं है। जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपने ओपीडक्स ने और बस्ती क्यों नहीं दिया? सर एक्चुअली बस्ती के लिए ना बोला था पेशेंट ने, इसकी वजह से ऐसे नहीं कैसे दिया। बोलते हैं? आप बोलिए आपको ठीक होना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर, बस्ती के अपान लिए बोल। क्षेत्र में वायु का प्रकोप है, अपान वायु की दृष्टि है, वो आप हाँ जो दे रही हैं वो तो बेस्ट है, सबसे अच्छा है, लेकिन आपको बस्ती देना ही पड़ेगा। और एक मैं योग बताता हूँ, हमारे हाँ आदरणीय जमदग्नि सर का एक फॉर्मूला है प्रोस्टेट हाँ करके, वो आप हाँ बना सकते हो, बनाइए, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। आप तो इधर ही हैं, मैं आपको दे दूंगा। ओके सर, आप ओके सर। चंदनगर में ही है ना मैम? नहीं सर, मैं इधर सर नवी मुंबई में हूँ सर मैं। अच्छा, सॉरी, हाँ सर, मेरे हाँ। यहाँ पे एक चंदनगर में भी डॉक्टर है सेम नाम की। तो नहीं, मैं नवी मुंबई में हूँ सर। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोस्टेट ग्रिड, वाघबट हाँ चिकित्सा स्थान 8 में है। इसको आप पढ़िए, अच्छा इसको पढ़िए क्या लिखा है। सर, इसमें पंचकोल प्लस हरित की यक्षार ओवा, बीड लवण प्लस सैंधव पाठा, धान्यक मरीच बिल्व यानी दही घालून सिद्ध घृत करने, फल घृति गुद व अंड। एक मिनट सर, दिखता नहीं। चश्मा लगाए? हाँ सर, अंड संधि यातील शूल प्रवाहिका गुद भ्रंश मूत्र कुश और परिस्ताव ये लिखा है, तो इसका ये मिक्स करके बना दूं सर मैं? हाँ, ओवा हाँ मतलब खाने, अजवाइन, अजवाइन। हाँ सर, बराबर है अजवाइन। घी और डाल के बीड घृत लवण चक्र, सर, काला बीड नमन होता है ना, काला नमक, नमक ना सर? ओके हाँ सर, सादे नमक, हाँ ओके सर, चलेगा। इसे सिद्ध करिए। अगर नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास है, वो आप करिए, ओके और इतना बेस्ट रिजल्ट आता है, पूरा प्रोस्टेट डिजोल्व हो जाता है, हमारे बागबड़ चिकित्सा स्थान में बताया। ओके सर, चल। और सर फिर यूरिन जो मतलब यूरिन फ्लो अच्छे से नहीं होता है तो वो भी अच्छे से हो जाएगा पेशेंट का? हाँ ओके सर, ले चलेगा। ओपीडक्स नहीं देना है, खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml, दो ओके टाइप सर, से घी देना है सिद्धघृत, नहीं तो आप सिद्ध अक्षराधिघृत, त्रिकंटकाधिघृत, ऐसे घृत कल्पना कुछ दीजिए, उससे ज्यादा फायदा होगा। ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू सर। नेहा मैम आप बोलिए, क्या बोल रही थी? हाँ सर हेलो, नमस्ते हाँ बोलिए। सर, एक 23 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है सर, उसको 1 मंथ से प्रॉब्लम है, उसको सर यूरिन पैसेज में पेन है, और सर यूरिन कर लेता है, एक फ्लो अच्छा आता है यूरिन का, लेकिन उसके बाद सर 15-20 ड्रॉप ड्रॉप करके ड्रिबलिंग होती है यूरिन की, तो सर ये मेजर कंप्लेन है अभी की। और सर रात्रि जागरण की हिस्ट्री है, हेतु क्या और है? वेगान धारे इतना उदीर्य, जबरदस्ती निकालने का हेतु है क्या? मतलब ऐसे हिस्ट्री में पूछिए कि यूरिन को प्रेशर से निकालने का या वेग को अवरोध करने का हिस्ट्री है क्या? केस टेकिंग करिएगा अच्छे सर से। ये दोनों, ये हाँ सर केस टेकिंग करी तो सर उसमें ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन सर रात्रि जागरण है, और सर वैसे पित्त प्रकृति है पेशेंट की, तो एसिडिटी और ये सब प्रॉब्लम उसको बनी रहती है, तो उसके लिए चल रहा है अविभक्तिकर और कपर्दिका शंख, बस में इसका एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, लेकिन रात्रि सर अभी जागरण जो है तो ये आपको प्रॉब्लम, वात का शमन करना पड़ेगा, अपान वायु की भी दृष्टि है, पेट साफ नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ अपान क्षेत्र में विकृति है, तो आपको एक तो ये नस्य देना पड़ेगा, बस्ती और पीडक्स ने, है ना? हाँ सर एक बार हम ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि कोई स्टोन होगा तो उसको यूएसजी के लिए बोला है कल के लिए, हाँ, कोई हो सकता है स्टोन ऐसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो तो उसकी वजह से उसको पेन है, और जी। यूरिन थोड़ा सा बाद में और रुक ना रही है, या फिर ऐसे में, ऐसे यूटीआई। कंडीशन में 8 नंबर का एक बस्ती लिखा है, वो आप पढ़ेंगी प्लीज?
आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हाँ सर, 1 मिनट, अभी सब आपके। ब्लर हो रहा है। हाँ क्यों, चश्मा लगाए क्या? श्वेतवास नहीं, सर उसका चश्मा नहीं है। कादी कषाय, सप्तामृत लो, त्रिफला घृत खाइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर, हाँ इसमें वस्ती कहाँ है? एट ये है ना 8 नंबर का, शुक्रानिल विबंधेषु नंबर। वस्ती। अच्छा, शुक्रानिल विबंधेषु वस्ती, वाग्भट कल्प स्थान की है। दशमूल, त्रिफला, मदन फल, बिल्व फल, गोमूत्र क्वाथ करने, फिर दो गोमूत्र नंबर में डाल के क्वाथ पाला। करना है। हाँ अच्छा, दशमूल, त्रिफला, मदन फल, बिल्व फल का। अच्छा सर, सेकेंड नंबर पे है पाठा, कुड़ा, मुस्ता, मदन फल, कल्क, मधु, तेल, यवक्षार, सैंधव। फल श्रुति है कफ रोग, पांडु रोग, विसूचिका, शुक्र व वायु, याचा, अवरोध, वस्ति, मध्य, आदिमान हो गया। अच्छा हाँ मतलब इसका बस्ती देना है आपको, ये सारी चीजें है ना, ऊपर से नहीं देना है, नहीं तो उल्टी होगा, सारा बस्ती देना है, तो इससे ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला फर्स्ट दीजिए या सेकंड दीजिए, जहां पर सर, ये भी ऐसे ऊपर वाला प्रॉब्लम। और ये भी बस्ती है। अच्छा, दोनों हाँ बस्ती दोनों है। बस्ती है, ऊपर वाला दीजिए या नीचे वाला दीजिए, दोनों में से एक दीजिए या दोनों मिक्स करके दीजिए, ठीक है सर कुछ इससे। ओरली में भी बताइए सर, क्योंकि एकदम से पेशेंट है सर, और नहीं ओरल में ध्यान आप दे। दीजिए ना, तृण पंचमूल क्वाथ है, फिर उसके बाद में गोक्षुरादि गोकुल है, चंद्र प्रभावती है, गोखरू का कंटक है उसका काढ़ा बना के दीजिए, पुनर्नवा का रस दीजिए, पुनर्नवा रिष्ट दीजिए, मूत्रल दवाइयां सब दीजिए। मैं बोलूं हाँ सर, ठीक हाँ है। सर बोलिए, सर बोलिए। मैं ये कह रहा था इसमें मूत्र जो है वो क्षारीय हो सकता है साहब, तो इसमें मेरे हिसाब से मूलक क्षार, अपामार क्षार या इनमें से कोई क्षार दिया जाए जी या गुरु की सत्व ज्यादा वो अच्छा रहेगा। एक इसमें मूत्रल दवाइयों के लिए तो मैम दे ही रही होंगी, पुनर्नवा वगैरह और ये गोक्षर वगैरह ये यस चीज सर, यस दिया। सर। और अपन की जैसे ये है ना, अपन के क्या नाम है, दसनूर घन टेबलेट वगैरह या वरुण घन टेबलेट, इनका भी रिजल्ट आता है इसमें सूजन के लिए। जी सही बताया आपने सर। ठीक है सर। और ये अपन जैसे अपन मॉडर्न के हिसाब से इसको सोचें, एंटीबायोटिक के हिसाब से, तो इसमें चिराता या मंजिष्टा, सारवा, निम, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, या त्रिफला कुकुल है अपना जैसे, ये भी एंटीबायोटिक में अपन को कर सकते हैं, क्योंकि उसका इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया का तो वो भी सही हो जाएगा। लेडीज पेशेंट है ना मैम? ठीक है सर, मेल पेशेंट है, 23 ईयर ओल्ड हाँ तो ये जहां मेल। तक मूत्रकच्छ का लक्षण आ रहे हैं सारे, तो यस सर। इस हिसाब से उसका जो मूत्र है वो क्षारीय हो सकता है, तो उसके हिसाब से उसको पहले आप यदि उसको क्षार की कम करने को द्रव दोगे तो शायद उसको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। उसमें आप कोई भी मूलक क्षार या अपामा क्षार, सर का क्षार, कोई भी आप काम ले लो, गुरु की सत्व ले सकते हो, ठीक है उससे रिलीफ मिल सर। जाएगा। और गोक्षर आदि गुग्गुल वगैरह, पुनर्नवा गुग्गुल, ये आप काम ले लो तो उससे फिर वो सूजन और वो भी कम हो और जाएगी। वो पतंजलि का दवाई आपके उधर मिलता है मैम, नेहा मैम, उसमें यस सर, कितने मिलता अच्छे है क्या? अच्छे दवाइयां हैं। आप लोग कौन यूज करते हैं पतंजलि का, कृपया आप कुछ बताइए, आप लोग का कोई अनुभव है तो। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी सर, इसके कोरोनरी के भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं सर, अस्थमा पेशेंट्स में भी अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा बाकी अच्छे हैं प्रोडक्ट्स ठीक है, नेहा मैम आप यूज करिएगा फिर बताइएगा। ओके रेनुग्रिट सर, थैंक यू करके सर। एक है वो अच्छा है, ठीक ओके सर। है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बताना है? हरिहर सर, आपकी बच्ची का हेलो क्या सर, हाल चाल है? वो अभी आज तो कोई मैसेज नहीं आया सर, कल मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और वो तो डॉक्टर, 2 दिन रुकने वाले थे ना हॉस्पिटल में, इसलिए 2 दिन के बाद बताया था मैंने। हाँ ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? दीपक जैन जी का क्या हाल चाल है? सर दीपक जैन जी को सर, दीपन अनुलोमन और जो दवाइयाँ चल रही हैं, अब उन्होंने कहा है कि अब हम आपको बताएंगे, अभी तो मेजर चेंज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक 8 दिन का हमने सोचा है कि 8 दिन में उनसे प्रॉपर अपडेट लेंगे कि उनको मेजर चेंजेस क्या आए। जी ठीक है, बहुत अच्छा सर जी, थैंक यू। जी हाँ सर, डॉक्टर, उनका जो पेशेंट था जैन साहब का, हाँ उसके हिसाब से जो वो बता रहे थे कि ठंड में उनका बढ़ जाता है, उसके हिसाब से तो वो पित्तापित्त वायु का पूरा लक्षण बता रहा है खुद ही पेशेंट अपने हिसाब से, अच्छा, तो नहीं मेरे ठंड में नहीं हिसाब बढ़ता, से वो होना ठंड में ये बोल चाहिए रहे थे, वायु का। ठंड में ठीक हो जाते हैं ऐसा बोल रहे थे वो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ठंड में ठीक हो जाते हैं, इसीलिए पित्तापित्त वायु का मैं पेशेंट बता रहा हूँ, उसको जो उसमें बात है क्या खुद देना चाहिए पित्तापित्त सर? वायु का बताया है इसमें क्या नाम है अपने बागभट्ट में।
अष्टांग हृदय में बिल्कुल बोला जी स्थल उसके सारे सारे मिल रहे हैं, चरक में भी उसी तरह से है और इसमें भी ये प्रताप भात के लक्षण है। इसमें तो क्या दवाई क्या देना चाहिए सर? इसमें अपन पित्त शामक दवाइयां को प्रयोग करें, जी गुड़चादी बसा गुड़चादी क्वाथ वगैरह जो अपन देते हैं उस तरह से, जी तो उनका प्रयोग करें तो उनसे आराम मिल जाएगा। क्योंकि इसका बात रक्त का ही ट्रीटमेंट वो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे मैं उस दिन तिवारी जी में बता रही थी ना जी बात रक्त का, तो उधर जाएगा पूरा पूरा। क्योंकि उस दिन जो मैंने दिमाग बहुत सोचा उसके बारे में, मिल गया ठंड में कैसे सही हो रहा है ये, तो जी मैंने उसको बहुत कई किताबों में देखा, उसके हिसाब से मेरे दिमाग में पेशेंट तो खुद ही बता रहा है उपचय अनुप से, अपन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है हाँ भाई, पेशेंट अपने आप बता रहा है कि मुझको ठंड से उपशय है, तो इसका मतलब क्लियर बात है कि उसको उसी से आराम मिलेगा, उस तरह की उसको दवाइयां दें अपन, वो मांग रहा है खुद एक तरह से, जैसे जी भूख लगती है जब खाना मांगते हैं ऐसे वो खुद ही मांग रहा है कि मुझे ठंडी चीजें दोगे तो मुझे रिलीफ मिलेगा, नहीं तो मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ सर जैन जी आप समझ गए सर क्या बता रहे हैं? जी जी सर, बात रक्त का सर कह रहे हैं कि बात रक्त का ट्रीटमेंट चलेगा, तो अभी दीपन पाचन अनुलोमन के बाद एक बार मैं उसके कॉल पे ही बाद लाऊंगा उसको एक दो कॉल दिन पे में। लाइए तिक्तक शीर बस्ती दे सकते हैं, बासा गुडुच्ची आदि कषाय दे सकते हैं, उसके बाद अमृतोत्तरम कषाय दे सकते हैं, केशोर गुकुल दे सकते हैं, तिक्तक शीर बस्ती दे सकते हैं, आप लेके आइए फिर हम और डिस्कस करेंगे। जी 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 सर, बहुत अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है बताना है? हरिहर सर कुछ पूछना है आपको? केस सविता मैम कुछ पूछना चाहती हैं? डॉक्टर हाँ सर यस सर, हाँ बोलिए मैम। वन पेशेंट वाज देयर, शी वाज इन अ 20 इयर्स ओल्ड जी एंड दिस 3 इयर्स बैक शी हैड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी जी एंड द लेटर ऑन शी डिड नॉट गेट द पीरीमेनस्ट्रुअल पीरियड ऑन द डे। जी सो सिंस 3 इयर्स शी इज हैविंग डिसमेनोरिया, दैट इज शी इज नॉट हैविंग प्रॉपर साइकिल्स ओनली, व्हेन शी विल बी टेकिंग द ओनली द हार्मोन्स एट दैट टाइम ओनली हर मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स देयर। जी सो फॉर दैट वन व्हेन पेशेंट केम टू मी, दैट वन फॉर हर आई हैड गिवन हर द विरेचन विथ मणिभद्र गुड़ा देयर ओके okay. एंड नाउ शी इज इन द 3 डेज, दैट इज संसर्जन क्रम इज ऑल्सो ओवर। ओके नेक्स्ट वन आई हैड गिवन द गुड़ादि सॉरी तिलक गुड़ा प्रयोग आई हैड गिवन टू हर। और आर्तव जनन जी मैम हाँ या वन जी इज आई हैड गिवन इट अप टूवर्ड्स 20 डेज इज रिमेनिंग नाउ, ओके okay. सो दैट इज द तिलक गुड़ा वन प्रयोग आई हैड गिवन टू हर। ओके नेक्स्ट वन मेनो वॉज वन ऑफ द कम्स दे वन दैट इज प्लस अशोक अरिष्ट हैड ओके गिवन टू हर। सो ओके मैम वेदर दिस इज गोइंग टू वर्क इट और नॉट आई यस टू डोंट नो। यू आर गिविंग वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट, यू ऐड मात्रा बस्ती आल्सो मैम, मात्रा बस्ती और शीर बल्ला तेल और सहचरादि तेल, एंड ऐड रस पाचक रक्त पाचक ताप्यादि लाओ नवायस लाओ एंड ग्रंथिरज फॉर्मूला पाठा इंद्रव त्रिकटु, तो ओके ओके एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल बी वेरी इम्प्रूव्ड, वेरी मच इम्प्रूव्ड। एंड शी इज ऑल्सो ओबेस, शी वॉज एक्चुअली 108 kg, आफ्टर गिविंग विरेचन 4 kg रिडक्शन हैज बीन डन इट देयर। तो यू कैन गिव लेखन बस्ती एंड मेदोहर गुगुल चंद्र प्रभा वटी आरोग्य वर्धनी वटी नव गुगुल त्रिफला या गुगुल। एज प्रीवियसली यू हैव टॉक्ड इट सर, दैट इज वन थिंग आई वाज फॉलोइंग टुवर्ड्स दैट वन। बिफोर गिविंग लेखन बस्ती कैन वी गो इट फॉर दी नस्य कर्म सो दैट इट कैन वर्क इट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड देयर। यस विष्णु तैल कम्स देयर फ्रॉम दैट वन कैन वी गिव इट टू हर, दैट इज यस द विष्णु तेल नस्य वचा तेल ज्योतिषमती ओके हाँ शीर बला तेल ओके इन दिस सीजन कैन वी गिव इट, इट विल नॉट बी इरिटेटिंग फॉर द पेशेंट सर। शीर बला तेल इज वेरी मच सौम्य सो इट विल ओके बी रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग वॉज देर, वन ऑफ द सोरेसिस पेशेंट वॉज देर हाँ एंड फॉर हर आई हैव गिवन इट हर दी विरेचन अच्छा सिंस 6 months शी इज टेक अलो आफ्टर विरेचन शी इज टेकिंग इट इवन शमन औषधि इज ऑल्सो पटोल जितने भी हाँ कटुरोहिण आदि कषाय। नेक्स्ट वन तिक्तक घृत हैड गिवन टू हर हाँ एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड इट एक्चुअली एंड सडनली आफ्टर 3 months वंस अगेन देर इज रीअकरेंस इज द स्काल्प सोरेसिस इट हैज बीन स्टार्टेड। तो मैम फाइंड आउट हेतुज विच या हैव आई एम रेड नॉट गेटिंग इट, आई एम आस्किंग हर एंड फॉर दैट वन आई हैड गिवन इट हर, दैट इज वन जलोकावचरण आई हैड डन इट सर।
टू सिटिंग्स ऑफ जलो कवचरण नेक्स्ट महादंता पाल तैल फॉर एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन. आई एम गिविंग यू माई केस पेपर, यू कैन फाइंड आउट द हेतु. सो हाँ, हाँ हेतु इज मस्ट. उनका यार, मतलब दही का सेवन हो रहा होगा, दिवा स्वाप हो रहा होगा, अति लवण हाँ सेवन हो रहा होगा, तो आपको ना हरितकी का चूर्ण देना होगा रात्रि में. ओके ओके राइट सर. हरितकी इन द हाँ नाइट हाँ एंड रस माणिक्य, वेरी वेरी मच इफेक्टिव. आरोग्य वर्धिनी वटी, गंधक रसायन, पंचतिकृत गोकुल, कैशोर गोकुल. कई श्योर. ओके राइट सर. जी ओके आई नॉट एडेड द रस औषधीज, आई हैव एडेड ओनली द दिस वन देयर. ठीक. आरोग्यवर्धिनी वटी इज आल्सो एड गिवन टू अस. मैम ओके राइट यू सेंड मी वन मैसेज, आई विल सेंड यू माय केस पेपर, सो यू कैन फाइंड आउट द ओके रियल एक्चुअल कॉज, पॉजिटिव फैक्टर, ओके ओके राइट सर, दैट वन आई विल डू इट पंचेतक सर. क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्तन या मस्ट फॉर हर. ओके ओके राइट सर. हाँ ओके महेंद्र सर, अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ ऐड करिए इनके केस में, आपने दोनों केस सुने हैं, कुछ बताना चाहे बता सकते हैं. सविता मैम के केस में, अनुरिता मैम आप बताइए. 108 kg का वेट था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, डिसमेनोरिया है, 3 साल, यस 3 ईयर से कुछ नहीं आया. आप बताइए, कुछ इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं. सर. कितना केजी का सविता मैम, क्या हो रहा है? हाँ इट वाज 108 kg, शी वाज 108 kg एंड आफ्टर ओके गिविंग विरेचन विथ मणिभद्र गुड एंड द फॉर द घृतपान हैड गिवन इट वरुणादि घृत हैड गिवन इट या शी इज बट ओबेस. व्हेन She's been resolved or not? नो 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 नाउ ओनली विरेचन हैड गिवन टू हर एंड नो मैम. संसर्जन क्रम इज ओवर, शमन औषधि हैड ओके गिवन टू हर. बिकॉज यू शुड सी द साइज ऑफ द फीटस एंड बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एन एनाटॉमिकली एट अ रॉन्गली प्लेस प्रेगनेंसी. सो उसका तो एम्पिल ऑफ ऑलरेडी वन वेटर ऑफ या द कौन फेलो सर्जिकल ऑलरेडी इट वाज हिस्ट्री वाज 3 इयर्स बैक मैडम. हाँ दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि हाउ कैन यू. ओके सो नाउ शी हैज प्रेजेंटेड विद व्हाट कंप्लेंट, ओनली वेट और समथिंग एल्स? नो नो शी वाज नॉट गेटिंग पीरियड सिंस 3 इयर्स बैक, ओनली आफ्टर टेकिंग ओनली हार्मोनल टैबलेट्स देन इंटरटेंट. ओनली शी विल गेट इट देयर. ओके सी मैम, हियर बेसिकली एनाटॉमिकली भी डिस्टरबेंस है, सेकेंडली देर इज ट्यूबल रिसेक्शन आपने बताया, तो ये कंप्लीटली वात कुलतारोजन्य संप्राप्ति भी है. एंड वात का जो रुक्षता और प्रकोप, जिस भी हेतु को आप निकालेंगे, तो विल सी कि बाय ऑल गुनाज ऑफ वात व्हेन देर इज एन डिस्क्रिपेंसी इन टू योर यूटेरस, विच इज अ कंप्लीट अर्थव स्रोतस और कंप्लीट योर ओवम एंड प्रोडक्शन या योर सेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इफ दैट इज हैम्पर्ड, योर रजक काल एंड योर ऋतु काल, यू आर नॉट गेटिंग योर हाइपोथैलेमस सपोर्ट, यू आर नॉट गेटिंग योर पिट्यूटरी सपोर्ट. सो कंप्लीटली यू नीड टू वर्क आउट ऑन ऑल दीज 3 फैक्टर्स. ओके इट्स वेरी गुड गिवन विरेचन, बट इज दैट पैथोलॉजी, वॉट एवर हेतुज यू आर फाइंडिंग, आर दे उष्ण तीक्ष्णता प्रधान एंड इल्वॉल्विंग पित्ता और दे आर वात प्रधान? इफ इट इज वात प्रधान, योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी बस्ती. ओके दिस ओके आई पी एस हाँ ओके ओके बिकॉज सेड कि शी इज नॉट हैविंग सिंस 3 इयर्स, सो इट इज नॉट ओनली अमेनोरिया, इट मे बी अनोवुलेटरी साइकिल ऑल्सो. नाउ इफ शी या इज इन टू शी इज एक्सपेक्टिंग सम बेबी, तो यू नीड टू सी हर फॉलिकल डिपो ऑल्सो, यू हैव टू रेस्टोर दैट ऑल्सो. सो वेन एवर यू हैव टू गो फॉर रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, या देर इज अ संप्राप्ति विच इज क्षयात्मक ऑल्सो एंड विच इज अवरोधात्मक ऑल्सो. सो यहाँ पे आप यू शुड ऑलवेज सी दैट कि देर शुड बी नॉट कंप्लीट अपतर्प, देर शुड बी मृदु संतर्पण ऑल्सो एंड देर शुड बी श्रोतावरोध के विरुद्ध जाने वाली जो चिकित्सा है. तो फर्स्ट व्हेन इट इज बाथ इन्वॉल्व, एज पर मी आई फील दैट मात्रा बस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इफ यू हैव डन हर दीपन पाचन, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली हर एक्सिस ऑफ पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस, तो हमारे जितने भी यू फर्स्ट स्टडी द सर्कल, आपका ओवुलेटरी फेस खराब है कि आपका ल्यूटियल फेस खराब है? इफ इट इज ओवुलेटरी फेस, देर आर वेरी नाइस नस्यास विच स्टिम्युलेट योर ओवुलेशन, बट एंड ल्यूटियल फेस इफ इट इज इन्वॉल्व, बिकॉज बेसिकली इफ शी इज नॉट गेटिंग साइकिल, सो हर दीज फेजेस
which involve all hormonal disturbances, you need to start her Nasya also, and that too regular Nasya. It should be Bruhan Nasya in the starting, and then Shodhan Nasya before. Suppose she must till she gets a cycle, you fix up a date. देर इज ऑलवेज, जैसे मेरा जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, अगर जब मैं उसको अर्धक सूरज देती हूँ या ओवुलेशन का मैं स्टिमुलेशन देती हूँ, शी हैज इट एक्सप्रेस कि शी इज फीलिंग समथिंग इन टू राइट और लेफ्ट दिस थिंग, बट बिकॉज शी इज नॉट हैविंग वन ट्यूब यू से हर दिस थिंग हैज बीन डन, सो रिसेक्शन हैज बीन डन, सो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम ऑल दैट एंगल. एंड वेन यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, तो स्टार्टिंग में आपका जो भी 28 डेज नस्या है उसमें स्टार्ट में बृहन नस्या दीजिए, which will be helpful for her pituitary axis, HP2 axis. And secondly, after that, some phase when she says that there is white discharge or there is irritability or there is some increase in the temperature. So by these means also, we come to know that this is pre-ovulatory phase, okay? Or it may be pre-menstrual phase. तो ये इस फेज पे आप अर्धरक स्वरस नस्या है या फिर देर आर भारंगी कषाय है, देन देर आर lot of good things which work onto this axis during that. So you need to see anatomically also कि how is her endometrium, how is her other things, whether she is receiving some thickness or, ये आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करके भी ट्रीटमेंट का प्लान. टेक मॉडर्न हेल्प, सी वी डोंट इंटरमिंगल विद मॉडर्न एंड आयुर्वेद. हमारा संप्राप्ति, हमारा हेतु, हमारा जो भी निदान है, इट विल बी ऑलवेज विद द आयुर्वेद पैरामीटर्स. बट वेन आई हैव टू गो कि वेदर आई एम गिविंग नस्या, इट इज हेल्पिंग टू चेंज हर HP2 एक्सिस, एंड अलॉन्ग विद दैट देर इज एंडोमेट्रियल चेंजेस, यू नीड टू डू एटलीस्ट 2 टाइम्स सोनोग्राफी और 3 टाइम्स सोनोग्राफी और 1 सोनोग्राफी नंबर, सो दैट यू फील. अभी 3 साल से उसको मेंसेस ही नहीं, तो आप जो जो चेंजेस देंगे, ऐसे नहीं कि अचानक से मेंसेस आ जाएगा. वेन यू वर्क ऑन ईच एंड एवरी दिस पैरामीटर, एंड सबसे पहला ये बहुत मैंने स्पेसिफिक स्थानिक चिकित्सा बताया, ऑलवेज यू शुड गो फॉर स्पीकरस एंड रक्त. अकॉर्डिंग टू शारंगधर इट इज रक्त उपधातु, एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड चरका इट इज रस धातु उपधातु. सो वी वर्क ऑन रस पाचन ऑल्सो, वी वर्क ऑन रक्त धातु अग्नि दीपन ऑल्सो. ये दो अगर धातु अच्छे हमने कर लिए, तो फर्स्ट दीज आर डिस्टर्ब, दीज वर डिस्टर्ब 3 इयर्स बिफोर ओनली. सो विद दैट यू सी दैट कि यू गिव गुड धातु अग्नि दीपन, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर अदर ट्रीटमेंट. यू आर गोइंग इन अ वेरी गुड वे, एंड देर आर लॉट ऑफ ड्रग्स, लॉट ऑफ मेडिसिन विच वर्क ऑन टू, बट सब चीज का खिचड़ी मत बनाओ, गो वेरी सिस्टमेटिक वे. बहुत सिंपल सिंपल योग काम आते हैं एंड इट वर्क. आप इस पे मैम का कभी पुराने लेक्चर से तो सुनिएगा, हमारी अंजना मैम है, शी इज वेरी ग्रेट मास्टर इन टू दिस ऑल टॉपिक्स. बिकॉज आई डील विद PCOD एंड अदर थिंग्स, इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बट कंप्लीट नोवुलेशन एंड कंप्लीट अमेनोरिया अगर है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड. अगर आप बस्ती करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, फास्ट रिजल्ट मिलेगा. लेकिन इसके साथ में नस्या और दूसरा अधोदर एंड उदर अपभंग एंड कटी अपभंग, बिकॉज आर ऑल कंप्लीट वात का जो स्थान है, वो स्थान अगर स्थानिक दृष्टि कंप्लीटली अगर इन्वॉल्व है, दैट मे इन्वॉल्व रक्त, दैट मे इन्वॉल्व वेनस ड्रेनेज, दैट मे इन्वॉल्व लिम्फेटिक ड्रेनेज, दैट मे इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम. सो आई ऑलवेज डू कटी स्नेहन एंड कटी अभ्यंग एंड उदर अभ्यंग, बिकॉज स्टार्टिंग उत्तर बस्ती से करने की बजाय पहले इन चीजों पे ध्यान देती, यू विल सी वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट. ओके मैम, सविता थैंक यू मैम, मैडम, आप थैंक यू मुझे एक वेरी मच. मैसेज करिए, सविता मैम मैं आपको एक डाइट चार्ट देता हूँ वेट लॉस करने का, वो भी ओके फॉलो करने राइट, से बहुत अच्छा होगा, और एक केस शीट देता हूँ, प्रॉपर केस ओके टेकिंग करिए, हेतु निकालिए, सोरियासिस वाले ओके पेशेंट का भी केस टेकिंग करिए, ठीक है? ओके राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू. सर, अभी हम थैंक सेशन यू बंद मैडम, करते हैं, कल मॉर्निंग में अष्टांग हृदयम का सेशन होगा, सभी लोग खाना पीना खा के सो जाइए, स्वस्थ रहिए और आगे तरक्की करते रहिए, आप लोग का यश कीर्ति धन पुण्य सब मिलता रहे, ऐसा शुभकामनाएं. अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ थैंक यू सर, रात्रि. थैंक यू.